Download the Z5 app now. कथेमध्ये जितका नायक महत्त्वाचा असतो तितकाच महत्त्वाचा असतो तो म्हणजे खलनायक आणि सध्या संभाजी महाराज या मालिकेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आला आहे आणि संभाजी महाराज दिलेर खानला भेटतात आणि आपल्यासोबत हेच खलनायक दिलेर खान हे आपल्यासोबत आहेत. शाहिद खान जी, आपका हमारे चॅनल में स्वागत है. सबसे पहली बात है कि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है मराठी में काम करने का, कैसा था? नहीं, मराठी में पहला एक्सपीरियंस मैंने एक ऐड की थी, वो सुपर गैस के नाम से थी, तो वो उसमें थोड़ा मराठी में किया था मैंने, बट सीरियल मेरा पहला है. और मेरी बिगनिंग तो संजय खान से हुई, ही इज़ माई गॉड फादर. उन्होंने मुझे सबसे पहला ब्रेक दिया टीपू सुल्तान में, एंड उसके बाद उनका अकबर द ग्रेट और मराठी करण, 1857, ताजमहल फिल्म उनकी, तो उन लोग के साथ मैंने काफ़ी काम किया, 10 साल निकाले होंगे. तो बहरहाल ये मराठी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मराठी जो लोग होते हैं वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट और बहुत कमाल के लोग हैं. और हाईलाइट ये है कि मैक्सिमम मेरे दोस्त जो हैं यहाँ बॉम्बे में मराठी हैं. इसमें जो को प्रोड्यूसर हैं जैन गिलाट है, वो मेरे 20 साल पुराने दोस्त हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया. और ख़ास कर के अमोल सर जो हैं, इज़ ए वेरी नाइस गाय, बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत कमाल. मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है. और होल जितना यहाँ यूनिट है वो कमाल का है और मुझे काम करने का बड़ा मज़ा आ रहा है. और ख़ास करके ये दिलेर खान का जो करेक्टर है इसमें बड़े शेड्स हैं. यू नो, मैं जब संभाजी इसमें 10 साल के थे तो तब से मेरी एंट्री हुई है, एंड उसके बाद में 4-5 महीने का मेरा ब्रेक आया, एंड उसके बाद लीप हुआ, संभाजी जवान हुए, एंड उसके बाद फिर अब मेरा ट्रैक शुरू हुआ. तो अब मुझे काम करने का बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि दिलेर खान एक बड़ा अजीब और गरीब करेक्टर है. क्रुक तो है ही, मतलब ख़तरनाक भी है, डेंजर भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ ये इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या कहते हैं उसे, दिलरुबा, ये उसे बजाता है और कुछ भी करता है. मतलब ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड गाय, कुछ भी करता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. जो आपको सबसे पहली बार पूछा गया कि ऐसी मराठी सीरियल है और आपको ऐसा रोल करना है दिलेर खान का, तो आपकी क्या एक्सप्रेशन थी? मुझे बड़ा एक्चुअली मैं सोचा कि अभी मराठी के अंदर, तो बोले नहीं नहीं इसमें दो ट्रैक हैं, एक मराठियों का है और दूसरा जो है वो मुग़लों का है. तो मुझे मुग़ल ट्रैक के लिए एक्चुअली सबसे पहले मुझे औरंगज़ेब के लिए बुलाया, और औरंगज़ेब के लिए बुलाने के बाद मैंने लुक टेस्ट दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद अमोल जी बोले शायद वो किसी और को मतलब कमिट कर चुके हैं. वो भी मेरा दोस्त है जो कर रहे हैं, अमित भल्ला करके, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो बोले ठीक है, उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, और उनका इसमें करेक्टर है बहुत ही ख़तरनाक दिलेर खान का, और हम ये चाहते हैं कि वो दिलेर खान का रोल आप करें. तो मैं बोला ओके फाइन, मैं शुरू हो गया. और जैसे जैसे मेरा एक दोस्त और था, अदी ईरानी, उसने मिर्ज़ा राजे का रोल किया था, वो शुरू में मेरे साथ था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अरुणा ईरानी के भाई हैं छोटे, वो उन्होंने हमने काफ़ी साथ काम किया है, फिल्में भी की हैं. तो मेरा और उनका ट्रैक साथ में था, मिर्ज़ा राजे और दिलेर खान. तो उसमें हमने दोनों ने मिल के बड़ा हंगामे किए यहाँ पर, 2-3 महीने यहाँ बड़ा अच्छा रहा माहौल, एंड उसके बाद में थोड़ा ब्रेक आया, अब मैं शुरू हो गया. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ. शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके बारे में तो सबको पता रहता है, पर दिलेर खान के बारे में और ये ऐतिहासिक मोमेंट के बारे में आपको कुछ पता था? मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और क्या होगा आगे, किस तरह से होगा. लेकिन बहुत ही एक वाकई एक ऐतिहासिक मोमेंट है, और ये मोमेंट कमाल का है, इसके लिए मैं समझता हूँ. और लेकिन जब यहाँ लोग आते हैं, व्यूअर्स आते हैं कहाँ पूना से, इधर से उधर से, और वो दिलेर खान की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्यों वो आके मुझे पहचानते हैं, मुझसे बात करते हैं कि दिलेर खान. तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये मतलब बड़ा कमाल का करेक्टर है, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, और ख़ास करके सारे करेक्टर, और इसमें जो शिवाजी का जो रोल कर रहा है ख़ास कर मैं कहना चाहूँगा, इज़ ए मतलब ब्रिलियंट का, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे शिवाजी खुद ऊपर से वापस आ गए. मैंने इतना किसी को इतना शिवाजी के अंदर आज तक देखा, मैंने और भी देखे काफ़ी शिवाजी के, मैंने सीरियल देखे हैं, सब कुछ देखा है, लेकिन इतना मैच होना जो इनका है शिवाजी का, वो कमाल का है. और अमोल जी तो हैं कमाल, वो तो संभाजी बने बनाए संभाजी. जाते जाते एक दिलेर खान का डायलॉग हो जाए, याद रखना
आज के बाद अगर शंभू राजे के खिलाफ किसी ने बोलने की कोशिश की तो मैं नहीं, मेरी तलवार इंसाफ करेगी। तुम लोग जानते नहीं कि शंभू राजे खानदानी हैं, खानदानी शहजादे हैं वो। अरे अनमोल रतन हैं, बेशकीमती हीरा हैं। आज तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन आज के बाद मैं नहीं, मेरा तलवार इंसाफ करेगी, ये याद रखना तुम लोग। Download the Z5 app now.